साई के बचपन का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था। भिक्षाम दे भिक्षाम दे फकीर ने उसे सिखाया था, जो भी भिक्षा मिले वो अपने से ज्यादा जरूरतमंदों के साथ बांट के खाना। और एक बात याद रखना, ना तो हम दान देने से महान होते हैं, ना दान लेने से शर्मिंदा। फकीर ने सिखाई हर बात को, उसने बखूबी समझा और सीखा, लेकिन अभी फकीर उसे समझ ही कहां पाया था। ये तो उस रात हुआ। जय राम श्री राम, 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 श्री राम, जय राम 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 श्री राम। अंधेरा होने को है आज यहीं तक। अभी बहुत सारे रोमांचक पड़ाव आने बाकी है, लेकिन वो कल सुबह। काश रात होती ही मेरी तो कहानी भी नहीं रुकती। रात का आना भी बहुत जरूरी होता है बेटी। कई बार रात का अंधेरा हमें ऐसी बातें सिखा देता है जो दिन का उजाला भी नहीं सिखा पाता। We'll be right back.
हम गांव से बाहर आ चुके हैं। यहां ना कोई गांव वाला है और ना ही कोई हमारी आवाज सुनने वाला, और सामने जंगल भी है। पर कुछ दिख कहां रहा है? पूनम की रात है, सोचा था चांदनी में पेड़ कट जाएंगे, पर इन कमबख्त बादलों ने सारी रोशनी खत्म कर दी। ये बादल आते तो हैं पर बरसते नहीं, ऐसे में ये सब कैसे काम करेंगे? आप परेशान क्यों होते हैं? पेड़ तो आज ही कटेंगे, वो फकीर सोता रहेगा और हम अपना काम करके निकल लेंगे। लेकिन कैसे? मान जी, वो देखिए बादल छट रहा है। ये जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारा निष्ठी भ्रम है। ये फकीर जादू टोने का सहारा लेकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, चलो चलाओ कुल्हाड़ी। नहीं मुखिया जी, ना तो ये कोई काला जादू है ना आंखों का वहम। ये फकीर बाबा कोई महापुरुष है, दिव्य इंसान, बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, इतने बड़े शक्तिशाली शख्स से हमें उलझना भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने पहले बताया क्यों नहीं, वरना हम यहां आते ही नहीं। क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ, हर अति का अंत होता है और तूने मेरे साथ अति कर दी है। सब डरते हैं तो डरे, पर मैं नहीं डरता तुझ जैसे मायावी फकीर से। मैंने बरसों बैठकर पूजा पाठ तपस्या साधना आज के दिन के लिए नहीं किया है। मैं इस फकीर के ऊपर वार क्यों नहीं कर पाया? क्या क्या सच में कोई चमत्कारी शक्ति है? हो सकता है ये माया भी हो। मैंने सुना है कि मायावी शक्तियां रात में अधिक बलवान हो जाती हैं, इसलिए यहां से जल्द निकल जाने में ही अपना हित है। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। तू अपनी माया से हमें डरा रहा है,
धर्म का काम करने से रोक रहा है। तेरा इलाज कल मैं दिन में करूंगा, सारे गांव की सभा बुलाकर। तू देख रहा फकीर, चलो। काका, अब आगे की कहानी शुरू कीजिए ना। आज तब तक कहानी शुरू नहीं होगी जब तक मेरी एक फरमाइश पूरी नहीं हो जाती। कैसी फरमाइश खाशाबा? पूरन पोली खाने की इच्छा हो रही है। क्या कोई मेरे लिए बना देगा? बस इतनी सी बात, अभी बना देते हैं, पर तुम कहानी सुनाते रहना। अब ये तो पता नहीं कि साई कब लौटेगा, लेकिन जब उसकी अनुपस्थिति में हम कहानियां सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो यही है हमारे पास। आएगा जब सही समय होगा, वो भी लौट आएगा। आजोबा, आप कहानी सुनाइए ना। ठीक है, बैठ जाओ। जैसे कि मैंने कहा था, साईं के सांसों से आती हुई श्रीराम की ध्वनि सुनकर वो फकीर अचंभित था। उसको यह एहसास हो चुका था कि ये बालक, जैसे उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा अनोखा तेजस्वी है। दूसरे दिन इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो जब नदी से स्नान करके घर लौटा, भिक्षा का वक्त हो चला था। बेटा चलो, भिक्षाटन के लिए चलना है। कमाल है, आज तक इसने भिक्षाटन के लिए कभी देर नहीं की और आज कोई जवाब तक नहीं। अच्छा, तो ध्यान में व्यस्त है अभी। खैर, मैं अकेले ही चला जाता हूं। बेटा तुम यहां और वहां अंदर भी, ये कैसे संभव है? बाबा, मैं ईश्वर और गुरु
दोनों में से किसी की भी अवहेला नहीं कर सकता था। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। बेटा कैसे किया तुमने यह? किसने सिखाई तुम्हें यह विद्या? मैंने बस राम जी का ध्यान करना और सबसे प्रेम करना सीखा। जो होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। अच्छा बाबा अब चले? हाँ। इस बच्चे का स्वरूप क्या है? ये तेजस्वी है ये तो मुझे पता ही था, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो कुछ और है। कौन है ये? क्या है ये? जैसे जैसे दिन गुजरने लगे बाल साई के अलौकिक और समझ में न आने वाली लीलाएं देखकर फकीर हैरत में था। उसे अपनी इस अबूझ पहेली का जवाब ढूंढने नहीं मिल रहा था। जानने की उत्सुकता ने उसने बावला बना के रख दिया था। अधिक से अधिक जानने के लिए वो अक्सर बाल साई का पीछा किया करता था। कभी बाल साई अपने स्पर्श मात्र से किसी की लाइलाज बीमारी दूर कर देता, तो कभी अपनी बातों से मायूस लोगों को नई उम्मीद दे देता। फकीर ने कई सेवा करने वाले देखे थे, लेकिन साई जैसा कहीं नहीं देखा था। लो बेटा चलो खाना खा लेते हैं। बाबा मैं अभी आया। आओ सब आकर खा लो।
शिकारियों और शिकार के बीच पारस्परिक दूरी, आपसी तालमेल बनाए रखना, ऐसा तो सिर्फ प्रकृति ही कर सकती है। ये बच्चा ऐसा कैसे कर पा रहा है? बेटा, तुमने अपना खाना इन सब के बीच में बांट दिया, उनके साथ बैठकर खाया, और तो और सांप को भी दूध पिलाया। ये तो विषैला है ना बाबा? क्यों नहीं दे सकता मैं इन्हें अपना खाना? क्यों नहीं खा सकता इनके साथ? जो ब्रह्म मुझ में है वही आप में भी है, और वही इन सब में भी है। क्या हुआ? अगर कोई विषैला है तो ये भी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के एक अंश को ब्रह्म के दूसरे अंश से कैसा परहेज? जो कहा और मैंने जो देखा, वो देखकर तो ऐसा लगता है ये मालिक का बंदा है। मालिक को भगवान कहो या अल्लाह, रहता तो परवरदिगार ही है ना। जिस तरह उस परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, उसी तरह ये बच्चे का भी धर्म नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने अपनी ही छवि बनाई हो। ये भूल जाओ कि ये कौन है, सब्र रखो, ये अपनी पहचान और अपना मकसद खुद बताएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। लेकिन फिलहाल ये एक नदी की तरह है और तुम घाट की तरह, इसे खुद से बहने दो। मत सोचो कि तुम इसे क्या सिखा सकते हो, बल्कि सोचो कि तुम इसे क्या सीख सकते हो और क्या ग्रहण कर सकते हो। क्या कर रहे हो तुम? समझ जा बेटा, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी मृत में प्राण डालना? प्राण तो सिर्फ ऊपर वाला ही डाल सकता है। मैं तो बस एक बीमार को ठीक कर रहा हूं, उसे लड़ने और बढ़ने का हौसला दे रहा हूं, ताकि वो अपने तय समय से पहले
अपना जीवन खत्म ना कर दे। ये पौधा बड़ा होकर ना जाने कितनों की छाव का कारण बनेगा। मैं तो बस उसे एक मौका दे रहा हूं, बाकी इसकी किस्मत में पड़ना है या नहीं वो तो ऊपर वाला ही जाने। जय जय राम, जय राम श्री राम, कृष्ण हरि, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। उस बूढ़े फकीर के मशवरे के बाद भी फकीर का मन बेचैन था। उसके मन से सवाल नहीं गए थे। बालसाई के साथ वो फकीर हर दिन एक नई लीला देखता, फिर भी उसे बालसाई की सच्चाई समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं ना, सूरज की रोशनी से भी महात्माओं का तेज छुपाए नहीं छुपता। आखिर वो पल भी आ गया जिस पल ने फकीर को यह एहसास दिलाया कि शायद उस बच्चे का कद उसके कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। आजुबा, ऐसा क्या हुआ था? एक दिन कृष्ण मंदिर के बाहर तो है ना, पाँव में मोच आइए बेटा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। सालों से रोज कृष्णा जी के दर्शन करती आई हूँ, कृष्णा जी के दर्शन के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। आज अगर दर्शन के बिना ही घर चली गई तो एक और भी गले से नहीं उतरेगा। अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ, मेरा सहारा लेकर मैं आपको दर्शन के लिए मंदिर ले चलता हूँ। शुक्रिया बेटा। कहाँ चला गया यह? अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्या अब ये भी बताना पड़ेगा कि मंदिर है मंदिर, मंदिर में फकीरों का प्रवेश वर्जित है? लेकिन ये तो भगवान का घर है ना, और सबका मालिक एक है।
तो किसी को मालिक के घर जाने से रोकने वाले हम इंसान कौन होते हैं? बहस मत करो, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। ठीक है, मैं तो बस इन्हें सहारा देकर कान्हा के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर ले जा रहा था। इनके पाँव में मोच आई है, अब आप ही इन्हें संभालिए और इन्हें कृष्णा के दर्शन करा दीजिए। तूने इन्हें पकड़ रखा है, मतलब ये अपवित्र हो गई हैं, अब ये प्रवेश नहीं कर सकती। इन्हें वापस जाना होगा, पुनः स्नान करके पवित्र होना होगा। उसके बाद दर्शन की जरूरत हुई तो अपने बहु बेटों के साथ वापस आ सकती हैं। ये भगवान के घर तक आई लेकिन भगवान से बिना मिले वापस चली जाएंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पहनावे से मैं दूसरे धर्म का लगता हूँ और इन्होंने मुझे छुआ इस वजह से। लेकिन सभी धर्म एक ही चैतन्य की पूजा करते हैं, तो ये सोच क्यों ये भेदभाव? तू मुझे ज्ञान देगा जिसे सारे शास्त्र कंठस्थ हैं। कंठस्थ है लेकिन आत्मा साथ नहीं। बहुत जुबान चला रहा है तू। अब तू क्या, ये बुढ़िया भी आजीवन इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जा, तुझे जो करना है कर ले, सुनिश्चित करना ये बाहर ही रहे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो मेरी मदद करनी चाहिए। यह क्या बचपना है बेटा, पंडित जी से क्यों उलझ गए थे? लेकिन उन्होंने जो किया वो यह उनकी अपनी श्रद्धा थी। दुनिया में सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबके अपने अपने नियम होते हैं। जो सरासर विवेक भुला दे, ईश्वर की असली परिभाषा ही भुला दे, वो कैसी श्रद्धा? ये सालों से भगवान की मूर्ति के दर्शन करती आई है, इन्हें कोई कैसे रोक सकता है? ये माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, अभी तो आप दादा मैं तो इन्हें समझ ही नहीं पाया। मतलब मैं इन्हें धुतकार कर अंदर गया और अंदर और क्या हुआ अंदर? पंडित जी को ऐसा क्या दिखा? मुझे वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब से मैंने इस बच्चे को अपने साथ रखा है रोज कुछ ना कुछ अनोखा हो रहा है, कोई ना कोई चमत्कार रोज दिखाई दे रहा है। मेरे मन में बार बार बस यही सवाल उठते हैं कि आखिर कौन है यह बच्चा, इस बच्चे की पहचान क्या है? मुझे आज मेरे सवाल का जवाब चाहिए।
या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में पूरी शिद्दत से तन मन धन से आपकी इबादत की है तो आज मुझे उस बच्चे के असली स्वरूप का दीदार करा दे। मेरे मौला, अगर आज मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। शाबा, तुम्हारी फरमाइश के हिसाब से पूरन पोली तैयार है। मैं परोस देती हूं। अभी नहीं, अभी इसे रख दीजिए। बस कहानी का आखिरी पड़ाव बाकी है। फकीर के सवाल का जवाब उसे बाल साई का असली रूप देखते ही पता चल गया था। उसने महसूस किया कि बाल साई को सिखा सके इतना तो उसने सीखा ही नहीं। तब उसने एक निर्णय लिया। जा रहे हैं? जल्द पता चल जाएगा, बस चलते रहो। बताइए ना बाबा, मुझे सबर नहीं होता। जिंदगी में सबूरी के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हारे लिए यह मेरा आखिरी सबक, लेकिन बहुत ही अहम सबक हो सकता है। आखिरी? मैं तुम्हें गोपाल राव देशमुख जी के पास ले जा रहा हूँ। अब तुम उन्हीं के साथ रहोगे।
लेकिन मैं तो आपके साथ। आज के बाद मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त कर रहा हूँ। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या मुझ में कोई कमी रह गई? नहीं, परिपूर्णता में भला अपूर्णता कैसे हो सकती है। सच कहूं तो मैं खुद तुम्हारा गुरु बनने के काबिल नहीं हूं। तुम्हारा अवतरण तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है और उन बड़े बड़े कामों तक मेरी नजर नहीं पहुंच पाएगी। सच कहूं तो तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, गुरु के बिना जीवन दिशाहीन है, इसलिए तो राम जी और कृष्ण भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। सही कहा तुमने, लेकिन जो राम जी का गुरु बन सके उसमें भी तो वैसी क्षमता होनी चाहिए ना। लेकिन वो तो आप में है। चलते रहो, बताता हूँ। इस पत्थर को उठाना हो तो तुम क्या करोगे? ऐसे हाथ से उठा लूंगा। रख दो। अगर इस पत्थर को उठाना हो तो बहुत अच्छे, इस लकड़ी को उठाओ। अब इस लकड़ी से उस पत्थर को उठाओ। ये कैसे मुमकिन है? ये लकड़ी इस पत्थर के सामने बहुत कमजोर है, ये टूट जाएगी। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम उस पत्थर से भी विशाल हो और मैं इस लकड़ी की तरह तुच्छ। तुमने विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया है ना, तो उसके लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए मैं तुम्हें गोपाल राव देशमुख जी के पास ले जा रहा हूं। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देंगे, जिस प्रकार के ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता होगी। लोग उन्हें प्यार से वैंकुशा कहते हैं। वैंकुशा? तुम यहीं रुको, मैं वैंकुशा जी से मिलके आता हूं।
तुम कौन हो? मेरे पास कैसे आई? मैंने भेजा इसे। वेंकुशा गुरुजी के पास आने वाले हर शिष्य का स्वागत हम ऐसे ही करते हैं। तुम भी यही पढ़ते हो? हाँ, इसका मतलब हम गुरु बंधु बनने वाले हैं। देखना, हम बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। अभी अभी वो फकीर बाबा जो तुम्हें कह रहे थे, अगर वो सत्य है तो तुम तो बहुत बड़े संत ज्ञानी बनने वाले हो। तुम्हारे साथ हो सकता है कि मैं भी किसी का कुछ भला कर दूं। अगर तुम कृष्णा हो तो मैं सुदामा। लेकिन तुम्हारा नाम? नाम में क्या रखा है, लेकिन तुम जानना चाहते हो तो मेरा नाम खाशाबा है। ऐसा लगता है कल ही की तो बात है जब उससे पहली बार मिला था। ये खुशबू क्या यहाँ पूरनपुली बनी है? हाँ, तुम्हें पसंद है? बहुत। तुम्हारे लिए मैं सुनिश्चित करूंगा तुम्हें जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा पूरनपुली मिले। और सच कहूँ, जब भी पूरनपुली बनेगी तो तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। गुरु आश्रम में उसके बचपन की कहानी खत्म हुई और उसके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। हमारा सफर लंबा नहीं था पर यादगार था। आखिर परब्रह्म की तो झलक भी बुला नहीं सकते। उसकी संगति भुला पाना नामुमकिन है। रोज उसकी याद आती है, इसलिए तो इतने दूर आया हूं उससे मिलने। खाशाबा, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जो तुम्हारे कारण हमें साई से जुड़े हुए सारे प्रसंग सुनने को मिले। ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपनी खुद की आंखों से हर पल देख लिया हो। लेकिन आप तो अब तक साई से मिल भी नहीं पाए। और हमें ये भी नहीं पता कि साई कब आएंगे। जब तक साई नहीं आता तब तक हम लोग इस बात का जश्न मनाते हैं कि वो हमारे जीवन में है। फकीर अभी तक क्यों नहीं आया और आपकी योजना क्या है? सभा को बुलाने के पीछे का मकसद क्या है आपका मुखिया जी? वो देखिए, शैतान का नाम लिया और फकीर हाजिर। Thank you.
मुझे सभा का मकसद तो बताइए। अपनी लुटिया बचाने के लिए कल रात यूं ही मेरे मुंह से सभा बुलाने की बात निकल गई। फिर मुझे एक तरकीब सोची। इस फकीर को चमत्कार दिखाने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, मैंने इसे एक मंच उपलब्ध करा दिया है। बस आप देखते जाइए कि कैसे मैं इस फकीर को इसके ही जाल में फंसाता हूं। अच्छा हुआ फकीर जो तुम आ गए, क्योंकि ये सभा मैंने तुम्हारे ही कारण बुलाई है। आप लोग तो ये जानते हैं कि ये फकीर यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, अपनी मायावी शक्ति से हमें यज्ञ करने से रोक रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी शक्तियां दैवी हैं, और कुछ लोग इसकी शक्तियों को काला जादू भी मानते हैं। जिसकी शक्तियां दैवी हैं या काला जादू, इसकी पहचान कराने का एक तरीका है मेरे पास। कहते हैं सकारात्मक शक्ति लोगों की मदद करती है। अगर इसकी शक्तियां सकारात्मक हैं, तो ये अभी इसी वक्त हमें सूखे की समस्या का हल बताएगा। और अगर नहीं बता सकता है, तो इसकी शक्ति दैवी नहीं बल्कि काला जादू है। और फिर मैं चाहूंगा कि आप सब इसे यहां से जाने के लिए कहें। क्या आप सबको मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। बारिश लाना मेरे हाथ में नहीं है। अगर बारिश नहीं ला सकते, समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो फिर गांव वालों को बरगनाना बंद कीजिए और निकलिए यहां से। हमें जो करना है हमें करने दीजिए। क्यों भाइयों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर ये फकीर वाकई में दैवी शक्ति वाला है, चमत्कारी है, सब कुछ जानने वाला है, तो क्या इसको हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या ये यही चाहता है कि हम लोग बिना पानी के मर जाएं? ये फकीर ना कुछ करता है और ना हमको करने देता है। अब आप ही लोग फैसला कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। फकीर बाबा, भांति जी जो कह रहे हैं वो सही है, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, पर सवाल पानी का है। अगर जिंदा रहना है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। सुन रहे हो ना फकीर, लोगों का भी यही मानना है। या तो बारिश कराओ या फिर चले जाओ यहां से। जो खुद हल नहीं जानता वो हमें अकल ना दे। मैंने अवश्य कहा कि मैं बारिश नहीं करा सकता हूं, लेकिन कोई है जो बारिश करा सकता है। ये पौधा, ये प्रकृति, इसकी पूजा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां बारिश हो, तो मेरे साथ इस प्रकृति की पूजा कीजिए। Ha 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 ha
ये है तेरा हल इस सूखे का? प्रकृति की पूजा इस पौधे के जरिए? मुझे लगता है कि इस पौधे की पूजा करेंगे तो बारिश होगी। मैं जानता हूं मुखिया जी और महन जी की बात नाकारना आप सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन एक बार अपने मन से हर शंका हटाकर मेरे साथ प्रकृति की पूजा कीजिए। मुझे यकीन है फल जरूर मिलेगा। हाँ हाँ, पूजा करिए, फूल चढ़ाइए, दीप जलाइए, और तो और मैं भी पूजा करूंगा इस पौधे की, इस प्रकृति की पूजा करूंगा। लेकिन एक बात याद रख फकीर, अगर पूजा समाप्ति तक बारिश हुई तो हम दोनों तेरे आगे घुटने टेक देंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो तू हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़ के चला जाएगा। बोल, मंजूर है? सृष्टि, मुझे माफ करना। लोग आपकी लीला, आपकी महत्ता समझ ही नहीं पाते। वो नहीं समझ पाते कि इस संसार की रचना एक दूसरे को पूरक बनाकर की गई है। सभी जीव परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंसान आश्रित हैं पेड़ों पर जो उसे छाया देते हैं, फल और सब्जी देकर उसका पेट भरते हैं, लेकिन फिर भी इंसान उस पेड़ को काट देता है क्योंकि उसे एक आरामदायक कुर्सी चाहिए, लकड़ी चाहिए। ये बच्चे नादान हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मां, बच्चे गलती कर सकते हैं, और मां कभी बच्चों से बदला नहीं ले सकती है। इनकी गलती को माफ करके इनकी प्यास बुझा दो मां, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। शास्त्रों में प्रकृति को मां कहा गया है। हम सब इनके बच्चे हैं, इनसे बने हैं और इनमें ही विलीन हो जाएंगे। इस नाते पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब हमारे सहचर हैं, बंधु बांधव हैं। अनजाने में हमसे इनका अपमान हुआ है। हजारों पेड़ों को काटकर हम पाप के धनी बने हैं। इस पाप के लिए प्रकृति से क्षमा मांगिए। वचन दीजिए प्रकृति को कि आज के बाद इस गांव में किसी भी पेड़ के तने को कुल्हाड़ी नहीं लगेगी। बाबा, पेड़ से माफी कौन मांगता है? जो मैं कह रहा हूं उसमें यदि सफलता नहीं मिली तो मैं अभी ये गांव छोड़ दूंगा। लेकिन एक आखिरी बार आप सबसे गुजारिश है, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे मदद करने दीजिए। आइए,
आप सब मेरे साथ दोहराइए। हम वादा करते हैं, अगर बारिश हुई तो आइंदा से किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे। हम वादा करते हैं, अगर बारिश हुई तो आइंदा किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे। तेरी पूजा का कोई असर नहीं हुआ। अगर तू जुबान का पक्का है तो ये गांव छोड़ के चला जा। कौन है? मैंने आज तक आपको काला जादू करने वाला कहा, लेकिन ये चमत्कार बुरा इंसान नहीं कर सकता। कोई असीम शक्ति ही होगी जिसकी बात प्रकृति भी सुनती हो। कौन है आप? मैं तो बस एक जरिया हूं जिसके द्वारा राम जी आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। पेड़ पौधे तो ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, उन्हें काट कर इंसान, जल और वातावरण दोनों को प्रदूषित कर रहा है। अगर आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो ध्यान लगाइए, दूसरों की सेवा कीजिए, लेकिन 100 पेड़ काट कर हवन करना ये तो कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं कहता है। धर्म तो प्रकृति को पार्वती का दर्जा देता है। तो आप दोनों ने यह कैसे सोच लिया कि एक को कष्ट पहुंचाकर आप दूसरे को खुश कर सकते हैं? सिर्फ प्रकृति ही नहीं, इंसान को एक दूसरे की भी अहमियत समझनी चाहिए। मुश्किल में तो दुश्मन की भी मदद की जाती है। ऐसे में अपने ही गरीब गांव वालों को धोखा देकर
उनसे मुनाफा कमाकर किस ईश्वर को खुश करेंगे आप? बाबा, अपनी गलती का एहसास है मुझे। इस सूखे में जो भी पैसे मैंने अनैतिक तरीके से लिए हैं और मैं लौटा दूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं नाराज होने वाला कौन होता हूँ? में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही कर्म है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ पूरन पोली की थाली लगा दीजिए, जरूरत पड़ने वाली है। पूरन पोली की थाली तैयार है खाशाबा, बस उसकी प्रतीक्षा है जिसके लिए बनवाई है। उसे अंदर तो आने दीजिए। घन घिर आए।